गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो ग्लिसरॉल होता है उसमें हम रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने जो है उनका अपचयन सीखा था कि अगर हम और उसके बाद फास्फोरस हाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, हाइड्रोजन हाइड्राइड से अभिक्रिया कराते तब क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया कराते तब क्या बनता है, और खुद ग्लाइकॉल से अगर अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, ठीक है। इस पे चर्चा हो गई थी। आज हम सीखने जा रहे हैं ऑक्सीकरण, ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो है ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण, ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें देखो, इसमें क्या होता है ऑक्सीकरण, तो आप समझ ही रहे हो कि ऑक्सीकारक एजेंट्स होते हैं कुछ, जैसे केमोनोफोर, K2Cr2O4, CrO3, ये सब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड से, एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज, ये जो मोनो एल्कोहल होते थे। इसमें देखो किस तरीके से क्या 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 ऑक्सीकरण और एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें लिखो ग्लिसरॉल में दो प्राथमिक और दो और एक द्वितीयक एल्कोहल समूह उपस्थित होते हैं। ग्लिसरॉल क्या होता है बेटा, CH2OH और CHOH, और इधर क्या है CH2OH, ठीक है ना। ग्लिसरॉल में क्या होते हैं, दो दो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं ये वाले, ठीक है ना, ये वाले, और एक क्या होता है द्वितीयक एल्कोहल होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या होता है द्वितीयक एल्कोहल होता है उपस्थित होने के कारण ऑक्सीकृत होकर ग्लिसरॉल ऑक्सीकृत होकर, लिखो लिखो बेटा, ग्लिसरॉल में दो प्राथमिक एल्कोहल, ग्लिसरॉल में दो प्राथमिक एल्कोहल तथा एक द्वितीयक एल्कोहल उपस्थित होने के कारण एल्कोहल ऑक्सीकरण होकर अनेक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। प्राथमिक एल्कोहल समूह सर्वप्रथम एल्डिहाइड, प्राथमिक एल्कोहल हमेशा कैसे एल्डिहाइड में जाते हैं ना बेटा, जो अब हम इसको ऑक्सीकरण कराते हैं, सर्वप्रथम एल्डिहाइड समूह में ऑक्सीकृत होते हैं, तत्पश्चात वही एल्डिहाइड का फ्रदर ऑक्सीकरण होता है। फ्रदर मतलब तत्पश्चात उसी प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, जिससे वह एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित होता है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल कीटोन में परिवर्तित हो जाती है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल कीटोन में परिवर्तित हो जाती है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल कीटोन में परिवर्तित हो जाती है, ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण इन सब तरीकों से हो सकता है, ठीक है। अब लिखोगे ऑक्सीकारक एजेंट, ऑक्सीकारक क्या क्या होते हैं, एक तो होता है बेटा डाइल्यूट HNO3
और दूसरा क्या होता है बेटा, कंसंट्रेटेड HNO3। और तीसरा क्या होता है, KMnO4 बेसिक माध्यम। ठीक है, क्या मतलब फोर बेसिक माध्यम। ठीक है, और चौथा होता है बेटा H2O2 प्लस FeSO4। ये चार ऑक्सीकरण एजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं फेंटोन अभिकर्मक। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फेंटोन अभिकर्मक बोलते हैं, फेंटोन अभिकर्मक। ठीक है, चलो देखो बेटा किस तरीके से ऑक्सीकरण होगा। तो ये सब क्या है, ये सब ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, ऑक्सीकारक है ये, और ग्लिसरॉल का इन सब ऑक्सीकरण का उपयोग करोगे तो किन किन यौगिकों में बदलेगा ग्लिसरॉल, वो मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। देखो किस तरीके से बदलेगा, जब ऑक्सीकरण आप कराओगे, चाहे आप क्या ले लो, KMnO4 ले लो, KMnO4 बेसिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, और चाहे तो आप डाइल्यूट HNO3 ले लो बेटा, चाहे तो आप HNO3 ले लो, सारे के सारे क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या ले सकते हो बेटा, डाइल्यूट NaHNO3 ले सकते हो, कंसंट्रेटेड HNO3 ले सकते हो बेटा, और KMnO4 ले सकते हो, बेसिक मीडियम में। ठीक है ना, ये सारे ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये जो प्राथमिक एल्कोहल है ये वाला एक, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। और फिर से इसको ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका फिर से ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये प्राथमिक एल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, कैसे, COOH CHOH COOH। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं इनका, इसको बोलते हैं टार्टोनिक अम्ल, और इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ग्लिसरिल अम्ल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, टार्टोनिक अम्ल। टार्टोनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ये टॉटोनिक अम्ल बन गया। तो ये था क्या बेटा, ऑक्सीकरण था। ठीक है, ऑक्सीकरण जो है किस तरीके से ग्लिसरॉल में ऑक्सीकरण होता है। ठीक है ना, अब लिखोगे फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया। नेक्स्ट है बेटा फास्फोरस हैलाइडो से अभिक्रिया, फास्फोरस
फास्फोरस हैलाइडों से किया। देखो अब यहाँ पे जैसे CH2OH बनता है और CHOH बनता है, CH2OH बनता है, और इसमें बेटा कितने हैं प्राथमिक एल्कोहल, एक ये है एक ये है, दो प्राथमिक एल्कोहल है बेटा, तो दोनों प्राथमिक और ये भी तो है, ठीक है, तीनों ये सेकेंडरी एल्कोहल है। तो यहाँ पे अगर आपने क्या करा दिया, PCl5 से क्लियर करा दिया, तो सारे ये क्या हो जाएंगे, ये OH हट जाएंगे, ठीक है ना, और इनकी जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH2 Cl CHCl और CH2Cl, ठीक है बेटा। इसका नाम होता है ग्लिसरीन ट्राई एसीटेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पेसी 1 2 3, थ्री क्या हो जाएगा, पेन प्रोप प्रोप एन या इधर प्रोपेन हो गया, 1,2,3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, ठीक है ना, ओके, प्लस 3POCl 3+HCl, ओके, इतनी सारी चीजें बन जाएंगी। तो जो जो चीजें मैंने तुमको प्राथमिक एल्कोहल में सिखाई थी बेटा, वो सेम टू सेम इस तरीके से बनेगी, वो CH2OH PCl5 से रिएक्शन करेगी, जैसे प्राथमिक एल्कोहल में करती थी वैसे ही वैसे इसमें भी होगा, PCl5 ऐसे रिएक्शन करेगी, PCl क्या बनेगा, PCl2Cl2 इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो आगे आगे पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है बेटा, एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण मतलब एसाइलेशन करवाते हैं, मतलब क्या जो एनहाइड्राइड से अल्कोहल की क्रिया होती है उसकी, या एसिड से अल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, या एसाइलेशन करवाते हैं एसिटिलीकरण से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। देखो बेटा ये CH2OH है, ये CHOH है और ये CH2OH, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन CH3COCl से करा रहे हैं, ठीक है, ये एसाइल क्लोराइड होता है जिसको एसिटिलीकरण कहते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, ये जो है तीन अणु लेते हैं इसके, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसको इस तरीके से ना लिख के इसे लिखते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों H चले जाएंगे Cl के साथ, 3HCl निकलेगा और ये जुड़ जाएगा, ठीक है बेटा, CH2 O CH3 CHO CH3 HCl, ये क्या बनेगा, ग्लिसरिन ट्राइएसिटेट, ग्लिसरिन ट्राइएसिटेट बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये थे तुम्हारी ट्राई एल्कोहल, जिसके हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रिपरेशन मेथड क्या होते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट बड़े टॉपिक्स हैं वो मैंने तुमको पढ़ा दिया, बस एक बार आप रफ कॉपी पे रिवाइज कर लोगे देख लोगे तो ये आपको सारा सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो रासायनिक गुण है वो लिख लो चाहे तो, भौतिक गुण, ग्लिसरॉल के भौतिक गुण, पढ़ लो ट्राई एल्कोहल के भौतिक गुण, लिखो ग्लिसरॉल एक रंगहीन तथा स्वाद में मीठा द्रव है,
है, इसका क्वथनांक 2, दूसरा पॉइंट, इसका क्वथनांक 290 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा पॉइंट, इसका घनत्व 1.265 ग्राम पर एमएल 20 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है, और रूम टेम्परेचर पर तो पहले पिघला हुआ होता है, ये रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में रहता है। ये तीसरा पॉइंट, ये है एथेनॉल में पूर्णतः घुलनशील होता है। जबकि ईथर, बेंजीन तथा क्लोरोफॉर्म में अघुलनशील होता है, ठीक है। तो ये क्या होती थी बेटा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम तुमको यहाँ बता के खत्म करते हैं ट्रायल गोल क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा फिनॉल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। फिनॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरोमेटिक्स है उसमें, एरोमेटिसिटी उसमें लागू होगी। एरोमेटिक जो एल्कोहल्स होती है वो क्या क्या होती हैं वो तुमको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू।